Hello students, welcome back to our YouTube channel Alicia Maths Classes. So today's session is very important for those students who are preparing for the competitive exam or those who are going to give the exam NDA on 6th of September and also definitely for the 12th class students also who have to give the board exam where they have to face 20 questions of MCQ type. So they need some tricks to find out the solution within a few seconds so today's my topic is super easy tricks to find out the differentiation of some important functions which initially looks very very complicated but i am damn sure that you are going to love this method you will definitely solve the differentiation of some met, uh, functions within a few seconds so let's see the method then this is question number 1 so let us see this question y is given this function y is equal to square root of x square plus 4 into 2x plus 3 whole cube upon 2x square plus 5x plus 6 into x square minus 3 definitely you have done this question by the long method taking log both side and then you have solved the differentiation of the question it takes a lot of time actually for the board exam when you have to solve this question for 4 marks

अब उसके लिए आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो बढ़ेगा ना तो उसके लिए आपका टाइम वेस्ट होगा तो लेट्स सी द मेथड हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में मतलब विद इन अ सेकेंड्स आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट विद इन अ सेकेंड्स यू कैन टेक आप मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बट आप लोग जब खुद करोगे ना डेफिनेटली यू विल टेक ओनली टेन सेकेंड्स सो लेट्स सी क्या है ये मेथड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू यहाँ पे जो न्यूमरेटर में फंक्शन पड़े हैं ना जो भी न्यूमरेटर में पहले आपको पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिख लेना है वो जो वाई फंक्शन है वो एज़ इट इज़ मतलब y की पूरी की पूरी वैल्यू आएगी हर फंक्शन में जब भी आपका फंक्शन इस फॉर्म का u अपॉन v जहाँ पे u भी क्या है कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर लीनियर इक्वेशन है उसकी कुछ पावर है या फिर हमारा रूट फॉर्म में है मीन्स हमारा फंक्शन किसके फॉर्म में है यू एक्स अपॉन वी एक्स वी यू एक्स एंड वी एक्स आर द प्रोडक्ट ऑफ मेनी फंक्शंस ये बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इस शॉर्टकट ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं सो so उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई एज एट इस लिख लेना है उसके बाद आपका जो फर्स्ट फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर अब स्क्वायर रूट डिनोट करती है पावर वन बाय टू को तो वन बाय टू आगे आ जाएगा मतलब जो भी पावर है ना फंक्शन के ऊपर उस वो पावर आपकी यहाँ पे आगे आ जाएगी देन जो फंक्शन है वो हमेशा वन अपॉन में आएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू अप्लाइंग द चेन रूल टेकिंग डेरीवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर का डेरीवेटिव क्या होता है टू एक्स ठीक है अब मल्टीप्लीकेशन में अगर आपका ऊपर है तो प्लस में ही ओपन होता जाएगा अगर नीचे है तो माइनस का आएगा प्लस ध्यान से देखिए इसकी जो पावर है वो भी जैसे इसकी पावर था स्क्वायर रूट पावर वन बाय टू था वैसे ही इसकी पावर है थ्री वो आगे आ जाएगा फिर जिस फंक्शन के पर पावर है वो वन अपॉन हो जाएगा जैसे यहाँ पे फंक्शन के पर पावर एक फंक्शन था एक्सक्वायर प्लस फोर जिसकी पावर थी वन बाय टू तो वन अपॉन्ट एक्सक्र प्लस फोर सेम वन अपॉइन टू एक्स प्लस थ्री इन टू अपलाइंग चेन रूल द डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स प्लस थ्री इज गोइंग टू बी टू नाव यू हैव टू कम इन द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आते ही सारा कुछ माइनस में ओपन होगा सो लेट सी है माइनस यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इंटू यूज इन चेन रूल टेकिंग द डेरीवेटिव ऑफ़ दिस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री नाव वॉट इज द डेरीवेटिव ऑफ टू एक्स स्क्र इट इज गोइंग टू भी एक्स स्क्र का डेरीवेटिव क्या होता है टू एक्स सो टू इंटू टू एक्स क्या आ जाएगा फोर एक्स प्लस फाइव एक्स का डेरिवेटिव फाइव एंड कॉन्स्टेंट सिक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो दैट मीन्स इट इज़ फिनिश्ड नाउ नेक्स्ट है हमारा ये फंक्शन इसके पर भी कोई भी पावर नहीं है तो इट इज़ गोइंग टू बी माइनस बिकॉज डिनोमिनेटर में है तो जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होंगी वो माइनस के साथ ओपन होंगी जो न्यूमरेटर में है वो पॉजिटिव के साथ ओपन होंगी तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू द डेरीवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री यूजिंग चेन रूल इज टू एक्स इज टू एक्स जस्ट कैंसल पुट द वैल्यू ऑफ वाई एंड दैट्स द आंसर दैट्स द आंसर जो इतना बड़ा आप बोर्ड भी मुझे लगता है कि दोबारा रब करके इसको सॉल्व करना पड़ता है तो यू हैव जस्ट सॉल्व एक ही लाइन में आपका आंसर आ चुका है दिस इज द आंसर यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ वाई हेयर एंड इसको समृद करके लिख देते हैं दिस इज एक्स अपॉन एक्स स्क् प्लस फोर प्लस फ्री टू दिक्स अपॉन टू एक्स प्लस थ्री माइनस फोर एक्स प्लस फाइव अपॉन टू एक्स स्क्वायेर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स एंड माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायेर माइनस थ्री सो दिस इज आर आंसर प्लीज नोट डाउन दैट यू लव दिस मैथड सो लेट एस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन बाई डूइंग द सेम इन द सेम वे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे तो यहाँ पर हम इसका करते हैं डी वाई बाय डी एक्स लेट अस मूव ऑन द फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है साइन डेस्ट पर क्यूब टू एक्स मीन्स साइन क्यूब टू एक्स अब इसकी पावर क्या है पहले तो आपने हमेशा की तरह y लिख लेना है मीन्स जो भी y है वो एज इट इज आएगा y के जो वैल्यू है ये फंक्शन पूरा का पूरा एज इट इज आएगा ना वॉट यू नीड टू डू दैट यू हैव टू जस्ट टेक द पावर इन मल्टीप्लीकेशन ये पावर आगे आ जाएगा और जिस फंक्शन के ऊपर पावर है वो क्या आ जाएगा अपॉन में सो so ये क्या आ जाएगा साइन टू एक्स क्लियर है देन यूजिंग चेन रूल द डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स इज कॉस टू एक्स एंड वॉट इज द डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स इट इज़ टू सो चेन रूल आपने अप्लाई करना है फंक्शन के ऊपर नेक्स्ट ये भी हमारा न्यूमरेटर में है सो इट इज गोइंग टू बी ओपन बाय यूजिंग प्लस साइन सो प्लस साइन इसकी पावर क्या है स्क्वायर रूट है तो इट डिनोट्स पावर वन बाय टू सो टेकिंग वन बाय टू इन टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एंड यूजिंग चेन रोल वॉट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क् प्लस फाइव इट इज़ टू एक्स येस इट इज टू एक्स नाउ एवरीथिंग इज द इन द डिनिनेटर जो डिनोमिनेटर है उसमें हम कैसे ओपन करेंगे इट इज गोइंग टू ओपन बाई टेकिंग नेगेटिव साइन सो इतनी बड़ी टर्म है इसके पर पावर है टू तो ये हमारा माइनस टू आगे आ जाएगा और जो भी फंक्शन है जिसके ऊपर पावर है दैट इज गोइंग टू ओपन इन द रेसी ब्रोकल दैट इज वन अपन एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन एंड यूजिंग चेन रूल वॉट इज द डेरीवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इट इज थ्री एक्स स्क्वायर वॉट इज द डेरीवेटिव ऑफ टू एक्स स्क्वायर इट इज फोर एक्स यहाँ पे एक्सक्वायर का डेरीवेटिव टू एक्स आएगा टू एक्स इंटू टू इज फोर एक्स माइनस थ्री एक्स का डेरीवेटिव क्या आएगा माइनस थ्री तो ये हमारा हो चुका है साथ में हमारा एक और फंक्शन लास्ट में बच गया है सो फॉर दैट यू जस्ट यू कैन जस्ट सी हेयर दैट देर इज नो पावर तो पावर नहीं है तो वन ही आएगा सो दैट मीन्स माइनस वन अपॉइंट टू एक्स प्लस फाइव इंटू यूजिंग चेन रूल व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स इट इज़ टू एंड व्हाट इज़ द डेरिवेटिव फाइव इट इज़ जीरो दिस इज द आंसर सॉरी आई एव नॉट रिटन हेयर नाइन एंड एन साइन टू एक्स सो दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सो आंसर इज वाई इंटू थ्री इंटू टू इज सिक्स cos 2x upon sin 2x is going to be cot 2x plus 2 can be cancelled by 2 so it can be x upon x square plus 5 minus 2 into 3x square plus 4x minus 3 upon x cube plus 2x square minus 3x plus 1 and the final minus 2 upon 2x प्लस फाइव दिस इज आर आंसर प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड द टू क्वेश्चन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री मैं बार बार इसका क्वेश्चन इसी टाइप के करवा रही हूँ सो दैट यू विल डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन सो यहाँ पे भी देखते हैं यूजिंग द सेम मेथड डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू गोइंग टू बी वॉट इज द फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन वाई बाई एज इट इज़ लिख दिया नाउ दिस इज द फंक्शन हैविंग पावर थ्री इसकी पावर थ्री है तो पावर थ्री आ जाएगा आगे एंड ये वन अपऑन हो जाएगा तो दैट मीन्स थ्री इंटू वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन वॉट इज द डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स स्क्वायर इट इज गोइंग टू बी फोर एक्स प्लस वन साथ में वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट दिस इज हैविंग पावर वन सो वन अपॉन फोर एक्स माइनस थ्री इन टू द डेरेवेटिव ऑफ फोर एक्स माइनस थ्री यूजिंग चेन रूल चेन रूल से करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फोर अब ये जो नीचे दोनों फंक्शंस है हमारे डिनोमिनेटर में है लेकिन अगर आप देखोगे इसमें तो कंप्लीटली स्क्वायर रूट में है बीस दोनों की पावर क्या है वन वन बाय टू सो आप इसको कॉमनली वन बाय टू कॉमन ले लो और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे पूरे को मीन्स दोनों के लिए मैंने इकट्ठे so, ले लिया है माइनस वन बाई टू क्योंकि डिनोमिनेटर में है सो वन अपॉन टू एक्स माइनस फाइव यूजिंग चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू टू प्लस वन अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर इंटू यूजिंग चेन रूल वॉट इज द डेरिवेटिव थ्री एक्स प्लस फोर इट इज गोइंग टू बी थ्री यहाँ पे मैंने प्लस इसलिए लगाया क्योंकि मैंने ओवरऑल माइनस वन बाय टू कॉमन ले लिया है आप चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं माइनस वन बाय टू इंटू Uh, ये फंक्शन माइनस वन बाई टू इंटू दिस फंक्शन सो बस इसको अरेंज करके लिख देंगे y की वैल्यू आप नो डाउट प्लीज डोंट फर्गेट टू पुट द वैल्यू ऑफ y हेयर y की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आपने यहाँ पे पुट करनी है मैं सिर्फ आपको ट्रिक समझा रही हूँ थ्री इंटू फोर एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस फोर अपॉन फोर एक्स माइनस थ्री इसको जब ओपन करेंगे हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा सो इट इज़ गोइंग टू बी माइनस वन अपॉइंट टू एक्स माइनस फाइव प्लस माइनस इज गोइंग टू बी माइनस थ्री अपॉइंट टू इंटू थ्री एक्स प्लस फोर सो देख सकते हो हाउ इट इज़ सुपर क्विक यू कैन जस्ट डू विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आई एम जस्ट टेलिंग यू मैं आपको बता रही हूँ सो देट्स वाई एम टेकिंग अ टाइम बट डेफिनेटली वैन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट बाई योर सेल्फ यू विल टेक हार्डली टेन सेकंड्स प्लीज नो आई होप सो दट स्टूडेंट्स यू आई लव यू आर गोइंग टू लव दिस मैथड बहुत ईजी क्वेश्चन सिंपली आपके बहुत ही कुछ ही सेकंड्स में आपके क्वेश्चन सोल्व हो जा रहे हैं सो टेकिंग द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कुछ अलग मैंने डिफरेंट टाइप का लिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जो फॉर्मूला है ये जो ट्रिक है सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन के नहीं है बल्कि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन के लिए जो भी यू अपॉन वी फॉर्म में हो तो उसके लिए आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो सो so, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वाई तो एज इट इज आने ही वाला है तो ये वाई तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना साथ में हमारा फंक्शन है ई रेस्टुपा थ्री ए एक्स तो जो फंक्शन है वो वन अपॉन में करके आ जाएगा ई रेस्टा थ्री ए एक्स एंड यूजिंग चेन रूल व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स ये क्या हो जाएगा थ्री ए प्लस में ओपन होगा तो ये आ जाएगा प्लस वन अपॉन ऑन कॉसिकेंट एक्स सो so नेक्स्ट में चेन रूल से कॉसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है इट इज़ गोइंग टू बी माइनस कॉसिकेंड एक्स कॉट एक्स खत्म प्लस लॉग टू एक्स तो ये क्या आ जाएगा वन अपॉन लॉग टू एक्स यूजिंग चेन रूल व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग टू एक्स लॉक टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाई टू एक्स और फिर से चेन रूल से टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टू तो पूरा आपने चेन रूल एंड तक अप्लाई करना है क्या किया है? मैंने पहले फंक्शन वन अपॉन में करके आएगा वो तो ऑब्वियसली अपने हर एक में लिखना है साथ में बस आपने लगाना उस फंक्शन के लिए चेन रूल और कुछ नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में तो चेन रूल लगाएंगे लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन बाय एक्स दैट मीन्स वन अपॉन टू एक्स एंड चेन रूल से यहाँ पे हम टू एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा टू अब हम चलते हैं अपने डिनोमिनेटर पे। यहाँ पे डिनोमिनेटर की पावर है स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट का डिनोट करती है पावर वन बाय टू को तो दैट मीन्स ये नेगेटिव में ओपन होने वाला है माइनस वन बाय टू इंटू वन अपॉन फोर माइनस थ्री एक्स एंड चेन रूल से फोर माइनस थ्री एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा माइनस थ्री बस ये आपका आ गया आंसर तो देख लीजिए आप हाउ इट इज़ सो सिंप्लीफाइड एंड सुपर क्विक मेथड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दीज टाइप ऑफ फंक्शंस माइनस माइनस इज गोइंग टू बी प्लस प्लीज़ नोट डाउन एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट यू हैव टू यूज दिस मैथड ओनली इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम करेंगे तो ही आपको ये मैथड अप्लाई करना है डोंट यूज़ दिस मैथड फॉर द सी बी एग्जाम बिकॉज सी बी एस सी वॉन्ट्स ईच एंड एवरी एक्सप्लेनेशन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय लॉग मैथड सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट द टाइम टेक यू टेक

हमारा जो शॉर्टकट है वो क्या है वाई हमारा आने वाला है एज इट इज़ अब यहाँ पे जो है वो पूरे फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट है तो बेटर है आप वन बाय टू पहले ही कॉमन ले लीजिए बार बार वन बाय टू लिखना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सबकी पावर वन बाय टू है सो एक अलग अंदर अन, आप ये मिडल ब्रैकेट ले लीजिए वन बाय टू बस अब ये पावर आपने एक बार ले लिया बार बार लगाने की जरूरत नहीं है तो फर्स्ट फंक्शन पे आइए ये, ये आ जाएगा बॉड अपॉन कॉटिन इनवर्स एक्स अब चेन रूल से कॉटिन वस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और फिर से चेन रूल से एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन चलिए यह भी ख़त्म प्लस वन अपॉन ये हमारा एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू अब याद रखना है इसकी पावर हम पहले ही बाहर ले चुके हैं तो वी डोंट नीड टू टेक द वन बाई टू हेयर अगेन सो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग सो वन अपॉन एक्सक्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एंड यूजिंग द चेन रोल यू विल डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस टू विच इज गोइंग टू बी टू एक्स प्लस थ्री सो एक्सक्वेयर का डेरीवेटिव टू एक्स आ जाएगा थ्री एक्स का थ्री हो जाएगा टू का क्या हो जाएगा जीरो खत्म नीचे हमारा जो फंक्शन है वो अपॉन की फॉर्म है तो आप सबको पता चल गया है कि मैं जो नीचे वाले फंक्शंस हैं दैट मीन्स दो फंक्शन विच आर इन द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वाले फंक्शंस को नेगेटिव में ओपन करना है तो माइनस वन अपॉन कॉज एक्स एस टू पा फोर नाउ डोंट फॉरगेट टू यूज द चेन रूल चेन रूल कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है इट इज माइनस साइन थीटा एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पा फोर यूज चेन रूल इट इज फोर एक्स क्यूब तो यहाँ से हमारी मिडल ब्रैकेट बंद और फुल ब्रैकेट क्लोज सो हमारा आंसर आ जाएगा वाई बाई टू इन टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स into 1 plus x square plus 2x plus 3 upon x square plus 3x minus 2 minus minus is going to be plus 4x cube and you can write down like this that sine theta upon cos theta is equal to 10 theta so theta same Toh, we can write, do, uh, write down as 10x is to power 4 so answer note down so, students, I hope so that you have liked my video today and the trick discussed by me to find out the differentiation of these type of functions. These questions That is for do it yourself. You can try yourself, and if you are not able to solve, then definitely you can mention in the comment box. आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं आई विल टेल यू द आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू जस्ट डू इट योर सेल्फ एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सी द शॉर्टकट ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन हाउ टू मेक द फैक्टर्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन क्योंकि वो टॉपिक भी आपका मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में जब आप डेरीवेटिव की वैल्यू जीरो लेते हैं तो डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो लेने पर कई बार हमारी इक्वेशन क्यूबिक बन जाती है और उसको सॉल्व आउट करने के लिए आपको शॉर्टकट करने की ज़रूरत पड़ती है तो यू कैन वॉच माई वीडियो दैट इज़ गिवन इन द आई लिंक यू कैन जस्ट क्लिक ओवर देयर एंड यू कैन सी द शॉर्टकट टू फाइंड आउट द क्यूबिक इक्वेशन सो प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड डू इट यू ऑल्सो स्टूडेंट्स आई होप सो दैट यू हैव इंजॉयड माई वीडियो टूडे एंड इफ इट इज़ रियली हेल्पफुल टू यू प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इट गिव्स अस मोटिवेशन टू अस आपको अगर लगा है कि कहीं पर भी ये आपको बेनिफिशियल रहा है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अलीशा मैथ्स क्लासेस थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू ऑल